हेलो गाइस, ये है रणविजय और ये है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिल्मी नजरिया। तो आज जिस मूवी का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है किसी का भाई किसी की जान। तो सबसे पहले अगर बात करें हम फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो फिल्म की स्टोरी ये है कि जो फिल्म है वो सेटअप है दिल्ली बेस्ड और इसमें जो हीरो हैं वो है सलमान खान। तो सलमान खान और अपने तीन भाइयों के साथ रहते हैं जो छोटे भाई हैं उनके। चारों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार है। इसके अलावा फिल्म में हीरोइन है जो उनका लव इंटरेस्ट है सलमान भाई का, वो साउथ से आई हैं। उनकी भी साउथ में एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें उनके बड़े भाई हैं जिसका रोल निभाया है वेंकटेश रघुपति ने। इसके अलावा फिल्म में दो विलेन हैं जिसमें से एक है हमारे बॉक्सर विजेंद्र सिंह और इसके अलावा साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं जगपति बाबू। तो फिल्म में जो हमारे भाई हैं सलमान भाई जो हीरो हैं फिल्म के, वो उनकी जो हीरोइन है पूजा हेगड़े, उनकी जो फैमिली साउथ में है, साउथ की जो उनकी फैमिली के पीछे जो वहाँ का जो विलेन है उनको मारना चाहता है उनके कुछ रीजन से पुरानी दुश्मनी को लेके। तो सलमान भाई का इसमें सिर्फ ये काम है कि उनको फिल्म के एंड में अपनी हीरोइन की जो फैमिली है उसको बचाना है। तो वो कैसे बचाते हैं वहाँ जाके, वो क्या करते हैं, ये सब फिल्म में दिखाया गया है। सुनाओ, अब बात करते हैं फिल्म के कुछ टेक्निकल पार्ट्स के बारे में जिसमें कि हमारे आते हैं कुछ गाने। तो मेरे को दो तीन गाने बहुत अच्छे लगे हैं जिसमें कि एक है हमारा बिल्ली बिल्ली और एक है हनी सिंह और एक गाना उन्होंने रिमिक्स किया है, इट्स लाइक छोटू मोटू भी ऐसे कुछ डांस है जिसमें बच्चों की बहुत सारी राइम्स को जोड़ के गाना बनाया गया है। अच्छा, ऐसा कुछ है? हाँ, मेरे को पता नहीं, बहुत ही वाहियात गाना है। तो इसके जो गाने हैं वो कुछ डायरेक्टर्स ने दिया है म्यूज़िक, जिसमें कि हिमेश रेशमिया है, हनी सिंह है और साजिद वाजिद हैं और एक दो और भी हैं। देन तो गाने ठीक ठाक हैं, इतने कुछ खास नहीं है कि जो बहुत बड़े हिट हो गए और चार्ट बस्टर रहेंगे। सो मूवी का जो BGM है वो कहीं कहीं बहुत अच्छा है और कहीं कहीं लाइक दिस मेरे को थोड़ा नॉर्मल लगा। सो बात करें स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगा, सिर्फ एक जगह छोड़ के, उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे। तो आगे बात करते हैं फिल्म की कास्ट के बारे में, जो करेक्टर्स हैं वो किन किन एक्टर्स ने निभाए हैं। तो फिल्म में जो मेन लीड है वो निभाया है सलमान भाई ने, जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं ट्रेलर्स वगैरह में। इसके अलावा फिल्म में जो भाई का जो लव इंटरेस्ट है वो है पूजा हेगड़े और उनके जो तीन भाइयों का करेक्टर निभाया है वो है राघव ज्वाल, सिद्धार्थ एंड जसे गिल। इसके अलावा फिल्म में कुछ और कलाकार भी हैं जैसे कि सतीश कौशिक, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। इसके अलावा फिल्म में दो और कैरेक्टर्स हैं जिसमें से एक हैं आसिफ शेख, जिनको आजकल हम विभूति नारायण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम फिल्म की बात करें कि फिल्म हमें कैसी लगी, तो इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। तो भाई आप बताओ पहले, आपको फिल्म कैसी लगी? जब आप बैठे हुए थे, जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकले, तो आपको कैसा फील हो रहा था? मैं सिनेमा घर से बाहर निकलने की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कि सिनेमा घर में कैसे बैठा रहा और मुझे क्या फील हुआ एक्चुअली। तो बात करते हैं सलमान खान के एंट्री के बारे में। ओके, तो सलमान भाई की एंट्री से पहले एंट्री होती है कुछ गुंडों की जो बहुत ही खूंखार लगते हैं, उसके बाद एंट्री होती है उनके तीन अंकलों की, उसके बाद वो तीन अंकल उनके तीन भाइयों को बुलाते हैं, उनके भाइयों की एंट्री होती है, उसके तीन भाई फिर बुलाते हैं भाईजान को, उसके बाद भाईजान तब भी नहीं आते, एंट्री होती है एक जैकेट की जो हवा में ऐसे घूमती फोल्ड हो जाती है, उसके बाद किसी के बाल उड़ते आते हैं, फिर सलमान खान की एंट्री होती है जो उस हवा में ही उस जैकेट को पहनते हैं और उसके बाद आके सीधा लैंड करते हैं सेफली। ऐसा कुछ रिएक्शन था मेरा। भाई फराज साहब जी ने जिस तरह का डायरेक्शन दिया है उससे अच्छा भाई मेरा दे सकता है, कोशिश ये वही कर रहा है, कोई देख ले तो बुला लेना। तो बेसिकली फिल्म का जो पूरा प्लॉट है वो जैसे कि हम बता ही चुके हैं, फिल्म में ऐसा बहुत कुछ खास है नहीं, फिल्म जो है पूरी तरह से ट्रीट है भाईजान के फैंस के लिए, क्योंकि ईद भी आ रही है, हर साल ईद में जिस तरह से भाईजान अपने फैंस को अपनी फिल्म लेके आते हैं
उनको ट्रीट देते हैं, तो ये बिल्कुल वही है। तो सलमान भाई के जितने फैन हैं, ये पिक्चर एक्चुअली उनके लिए ट्रीट है, उनको बहुत मजा आने वाला है। बिकॉज कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमें फिल्म में बहुत ज्यादा कुछ मजा नहीं आया है। मुझे मजा आया है सलमान भाई का एक स्टेप था उसके अंदर, जिसमें मेरा भाई खूब हंसा था, खूब, माय गॉड। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, सो इट्स लाइक कट जाए भाई। अच्छा भाई, ओवरऑल तुझे फिल्म कैसी लगी ये बता, ऑनेस्टली। ओके, मुझे मूवी बहुत बुरी लगी, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। फरासाम जी प्लीज़ मेरे पैसे मुझे पेटीएम करवा देना। एक्चुअली मुझे बहुत उम्मीद थी इस पिक्चर से, बिकॉज मैंने इसका रीमेक देखा हुआ है, तो मैं बहुत उम्मीद ही लगा के गया था। तो पिक्चर मुझे बस ठीक ठाक लगी, आउटस्टैंडिंग नहीं थी, एवरेज मूवी है मेरे हिसाब से। मूवी जो है बिलो एवरेज है, जैसे कि हम ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता ही था कि मूवी जो है 2014 में आई तमिल की फिल्म वीरम की ऑफिशियल रीमेक है, जिसमें जो जो ओरिजिनल मूवी थी उसमें जो रोल किया था, हीरो का रोल किया था, वो अजीत ने किया था। अच्छा, इसका एक रीमेक और बना था जो चिरंजीवी के भाई मिस्टर पवन कल्याण जी ने किया था, उन्होंने भी सेम पिक्चर किया था। उस मूवी का मेरे को एक्चुअली नाम याद नहीं है, बट स्टिल उनका मूवी भी ये बहुत बढ़िया था, और उसमें बहुत बढ़िया एक्टिंग किया था मिस्टर पवन कल्याण ने। मूवी ओवरऑल अगर मेरी तरफ से पूछा जाए तो फर्स्ट हाफ जो है मूवी को बिल्कुल ही ठंडा है, उसमें कोई कुछ भी मज़ा नहीं है, कुछ भी देखने लायक नहीं है। सेकंड हाफ जो है मुझे फर्स्ट हाफ से थोड़ा बेटर लगा, जब वो साउथ जाते हैं वहाँ पे, जब वेंकटेश रघुपति के एंट्री के बाद ऐसा लगता है कि मूवी थोड़ा सा ट्रैक पे आई है। अच्छा, वो बहुत बढ़िया लगे हैं वेंकटेश, बहुत बढ़िया। के एक्शन के बारे में बात करें तो फिल्म का एक्शन मुझे ठीक ठाक लगा, और थोड़ा बहुत अच्छा वो मेट्रो का है, जो मेट्रो वाला जो पूरा फाइट सीक्वेंस है वो एक्चुअली में पूरी फिल्म से बेटर वो है, उसकी जो एक्शन कोरियोग्राफी है वो अच्छी है। एक्चुअली में जब वो मेट्रो वाला पूरा सीन आया तभी हम लोगों को पता चला कि जो मूवी है वो दिल्ली बेस्ड है, जो भाई जो है अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली मेट्रो के सीन्स उसमें दिखाए हैं। एग्जैक्टली। ओके, अच्छा इसमें एक चीज़ और, जब साउथ के अंदर क्या कहते हैं वेंकटेश की फैमिली के ऊपर जब हमला होता है, तो वहाँ एक सीक्वेंस है जो स्लो मोशन के अंदर कोरियोग्राफ किया है उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें उनकी पूरी फैमिली को फायर करके उड़ाया जाता है, बट उनको पता नहीं होता बेसिकली कि वो घर में नहीं है, बट स्लो मोशन के अंदर लोगों ने कोरियोग्राफ किया, इट्स अमेजिंग। हालांकि वो जो सीक्वेंस है थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचा हुआ है, और फिल्म देखते हुए आपको ये समझ में आ जाता है कि ये फिल्म जो है, जो फिल्म में हो रहा है वो सचमुच में नहीं हो रहा है। वो फिल्म में एक सीक्वेंस और है जो कि फिल्म से बिल्कुल ही अलग लगता है, जो कि बहुत डार्क बैकग्राउंड के साथ शूट किया गया है, जिसमें राणा डगुपति, सॉरी क्या नाम है, वेंकटेश डगुपति को एक्शन करते हुए दिखाया गया, बट वो बहुत बहुत बढ़िया कोरियोग्राफ है जो उन्होंने उसके अंदर कलर यूज किए हैं, और जो एक्सप्रेशन मिस्टर वेंकटेश सर ने दिए हैं, अमेजिंग। तो एंड में आते हैं, हम सब ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेज जो मूवी में दी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो फिल्म में बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, और सबकी परफॉर्मेंस के बारे में हम बात नहीं कर सकते, तो कुछ जो हमें लगे जिनके बारे में बात होनी चाहिए उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे अपने सलमान भाई की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? एज यूजुअल जैसा वो करते हैं वैसे ही लगी मेरे को, नॉर्मल, कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं था। जैसे वो हर पिक्चर में अपनी एक्टिंग करते हैं, मेरे को वैसा ही लगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था उनका। सलमान भाई इसमें ओवरऑल सलमान भाई ही प्ले कर रहे हैं, जैसा कि वो अपनी बाकी फिल्में भी करते हैं। इसमें वो थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्रेशन लेस हो गए हैं, और ज़्यादा बॉडी को उन्होंने अपने स्टिफ कर लिया है। सलमान भाई जैसे कि है सलमान भाई प्ले कर रहे हैं, और इनकी जो परफॉर्मेंस है उनके, सलमान भाई के जितने फैंस हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सीटियाँ मारनी पड़ेंगी फिल्म में। और कहाँ फिल्म में सीटियाँ बजानी हैं ये आपको खुद डायरेक्टर साहब बताएंगे, वो कैसे बताएंगे आप कभी अगर फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सलमान भाई एक फाइट सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, विलेन ने उनको बहुत मारा है, और सलमान भाई को उठाना कैसे, भाई बताओ कैसे उठेंगे सलमान भाई? तो एक्चुअली इसमें एक विसल सीक्वेंस है, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप चालू करते हैं, पहले उनके भाई सीटियां मारते हैं, फिर लड़कियां सीटी मारती हैं, उसके बाद उनके अंकल्स भी सीटी मारते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा मोहल्ला सीटी मारता है, और उसके बाद पूरा हॉल सीटी मारता है। तो ये बेसिकली वो शॉट था, वो एक्चुअली उससे भी नहीं उठते हैं, वो उठते हैं उनकी लवर की सीटी से एक्चुअली। और ये वो सीक्वेंस था जहाँ पे हम जो ऑडियंस है जो हॉल में बैठे हैं उनको पता चलता है कि अब हमें सीटी मारनी है, क्योंकि ये क्लाइमेक्स है और भाई को उठाना है। मुझसे नहीं बचती और परफॉर्मेंस, इसके अलावा जो परफॉर्मेंसेज अगर बात करें तो फिल्मिंग है जो
सलमान भाई के छोटे भाई हैं, उनका रोल राघव, जस्सी और सिद्धार्थ ने किया है। उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं एक्चुअली में, तो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बस वो ठीक ठाक है, इट्स एवरेज। हर फ्रेम में वो जो है साथ में दिख रहे हैं। पूरी मूवी में ऐसा एक भी सीन नहीं है जहाँ पे वो तीनों का कोई भी अलग से, किसी भी एक्टर का अलग से शॉट है। इसके अलावा फिल्म में कुछ कैमियोज भी हैं, जैसे पुरानी जो हमारी एक्ट्रेस हैं, क्या नाम है भाई, भाग्यश्री की एक्चुअली पूरी फैमिली आ गई है। ओके हाँ, तो इस फैमिली के अंदर भाग्यश्री ने हस्बैंड मिस्टर हिमालय और उनके बेटे जो अब वो भी हीरो बन चुके हैं, अभिमन्यु नाम है उनका, गुड, वो भी, ये उनकी पूरी फैमिली का एक्चुअली कैमियो है इसमें। और इसके अलावा जो परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छी भी है वो भी है वेंकटेश डगुपति ने, उनका पूरी फिल्म में क्लाइमेक्स में एक एक्शन सीन है जो उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। भाई अब ये फ़र्क होता है कि एक अच्छा एक्टर जब कुछ करता है एक्शन सीन करता है, और जब एक बिलो एवरेज जब एक्टर है जब वो सीन करता है, तो सलमान भाई के जितने एक्शन सीन हैं उन्होंने फ्लैट फेस के साथ दिए हैं, बट वेंकटेश्वर ने जितने भी एक्शन सीन दिए हैं बहुत बहुत अमेजिंग दिए हैं। पूरी मूवी में उनका एक ही एक्शन सीन है और उन्होंने बहुत ही एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिए हैं, जो उनका जो रेज दिखाया उनके फेस पे, जो आंखों में दिखाया है एक सीन के लिए, वो उन्होंने एक्चुअली कन्विंस किया है हमें कि हाँ अब ये मार सकते हैं, जबकि सलमान खान ऐसा मुझे तो कन्विंस नहीं कर पा रही फिल्म में कि वो मतलब जो भी एक्शन सीन वो कर रहे हैं उसमें। तो ओवरऑल हमारा ये है कि फिल्म जो है फैंस, भाई के फैंस को देखनी, वो जाके देख सकते हैं। अगर फैमिली में अगर आपका आज ऑफिस नहीं है, आपकी छुट्टी है, आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, आप उनको जितना तरक्की करनी थी लाइफ में आप कर चुके हैं, शादी के लिए पैसा जोड़ चुके हैं, टंकी भर चुकी है पानी की, मोटर बंद कर दी है, अब जो आपके पास टाइम बचा है तो आप फिल्म देख सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।